थोड़ा माइक यार थोड़ा नीचे कर ले, थोड़ा पीछे करो, देखिए अभी नीचे कर लिए, थोड़ा नीचे कर लो यार, देखिए जब से मुझे इस गुरुओं की धरती, शहीदों की धरती पंजाब का कांग्रेस पार्टी ने इंचार्ज नियुक्त किया है, ये मेरा पहला दौरा है और मुझे लगता था कि जो राजनीतिक दौरा शुरू करने से पहले यहाँ हरमंदर साहब आके गुरु के घर में मत्था टेक के उनका आशीर्वाद लेके तब ये दौरा शुरू किया जाए, तो उसी संबंध में आज हम सुबह सुबह पहले यहाँ हरमंदर साहब गुरुओं के घर मत्था टेकन आए सीगे और यही दुआ की है कि हमारे प्रदेश में शांति बनी रहे, हमारा प्रदेश आगे बढ़े, आपसी भाईचारा बना रहे और जो जिम्मेदारी माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी, सोनिया जी ने मुझे दी है उसमें मैं पूरी तरीके से सफल हो सकूं। जी कोई सवाल सर, पंजाब कांग्रेस मजबूत थी, मजबूत है और आगे मजबूत रहेगी, हमारा संगठन बहुत मजबूती के साथ जो भी सामाजिक जो भी राजनीतिक मुद्दे आते हैं उस पर मजबूती के साथ अपनी आवाज़ उठाती है, चाहे वो सड़क पे हो चाहे वो विधानसभा के अंदर हो। भाई राजा जी के नेतृत्व में मैंने देखा कि संगठन बहुत मजबूती के साथ जो जन भावना है उसको मजबूती के साथ रखने का काम कर रही है। अभी मेरा ये पहला दौरा है, हमने यहाँ से चंडीगढ़ जाएंगे और चंडीगढ़ में सभी जो पदाधिकारी हैं, चाहे वो ब्लॉक का हमारा प्रेसिडेंट है या सीनियर लीडरशिप है, उनके साथ हमारी वार्तालाप होगी, उनसे बात होगी और मैं जानना चाहूँगा कि लोगों की भावनाएं क्या है, उसके पश्चात ही कोई, क्योंकि लीडरशिप ने ये स्पष्ट किया था, कुछ दिन पहले दिल्ली भी बुलाया गया था और लीडरशिप ने ये स्पष्ट किया है कि जो भावना हमारे यहाँ के लीडर्स की होगी, जो भावना हमारे लोगों की होगी, उसी के अनुरूप कोई फैसला लिया जाएगा। मैं अभी आया हूँ, मैं देखता हूँ क्या कुछ है, उसके पश्चात ही मैं उसके ऊपर कोई बात रख पाऊँगा। मैं क्या एक बारी मिल जाने दो, पहले सबनों गल कर लीजिए, उसके पश्चात जो भी फैसला होएगा दो दिन बाद आपको दोबारा से ब्रीफ करूंगा। जी थोड़ा थले चलो हूँ यार, आज सब तो पहला था मैं बतौर कांग्रेस पार्टी का प्रधान होने के नाते और असी अमृतसर जिला कांग्रेस कमेटी ने असी सारे लोगों ने प्रताप सिंह बाजवा साहब ते मैं और सारे साडे आगू साहबाना ने दविंदर यादव जी का अज पंजाब की धरती ते आने ते स्वागत किया और मैं समझदा कि इंचार्ज साहब ने बहुत वड्डा फैसला लिया, बहुत चंगी गल कीती कि उन्होंने पहला अमृतसर साहब विखे गुरु की नगरी ते नतमस्तक होने का फैसला लिया ते फिर कांग्रेस पार्टी का जिहड़ा काम काज है वो फिर उन्होंने कहा कि मैं फिर देखांगा, पहला नतमस्तक होवांगा। मैं अज उन्होंने इस फेरी ते इत्थे पहुँचन ते जी आया कहना आप दे वल्लों, कांग्रेस कमेटी अमृतसर साहब वल्लों ते तमाम मेरे साथियों पूरी समुची कांग्रेस पार्टी वल्लों, ते अज असी सादगी तरीके दे नाल इत्थे नतमस्तक होने वास्ते आए। जिस तरह पंजाब दे विच हुण सियासत वेखण नूं मिल रही है, सुपाल खेरा दी गल कीती जा रही है, उहनां दे उत्ते जां किस तरह मामले दर्ज कीते जा रहे, लगदा है कि बदलाव तो नज़र आ रहा है किसी जगह दे उत्ते भी।
देखो जी बदलाव तो पूरे पंजाब ने देख लिया कि किस तरह तरीके का बदलाव आया। देखो जितों तक सुखपाल खहरा जी की गल है, मैं समझदा कि इस तरह का तसद्दद ते धक्केशाही जो पंजाब के मुख्यमंत्री साहब द्वारा की जा रही है, अज पूरी दुनिया के विच यह जाहिर हो गया कि पंजाब के अंदर सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, मुकम्मल तौर पर पुलिस राज है। और पुलिस जिन्हों लॉ एंड ऑर्डर की संभालना चाहिए सी किते ना किते अपने स्कोर सैट कर लगे हुए है। जेड़ा भी उच्ची आवाज़ सरकार के खिलाफ जां मुख्यमंत्री साहब दे गल करता है उन्हों पुलिस मुकदमे ते मुकदमा दर्ज कर लेंदी है। ना केवल पुलिस, मैं समझदा कि डेमोक्रेसी का लोकतंत्र का भी मजाक बनाया गया है, जुडिशरी का मजाक बने है। जिस प्रकार जमानत तो बाद सुखपाल खहरा दोबारा फिर मुकदमा दर्ज करके अंदर किया गया, मैं इसकी निंदा करना है और पंजाब के मुख्यमंत्री साहब नूं कहना चाहना है और तमाम ऑफिसर नूं कहना चाहना है कि इहो जे रीति रिवाज कायम ना करो जिहदे नाल आने वाले समय दे विच पंजाब नूं इहदा हरजाना भुगतना पवे। यही बेनती है। देखो मैनूं नहीं पता सिद्धू साहब ने की कहा, लेकिन किसी प्रकार की कांग्रेस पार्टी च गुटबाजी नहीं है। हाँ छोटा छोटे परिवार दे विच भी घरे माड़े मोटे गलबात हो जाती है, सारा परिवार भी कितने ना कितने अपने विचार अलग रखता, बेटा अपना रखता, पुत्र अपने रखता। सो मेरे कहने का मतलब किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस पार्टी का प्रधान होने के नाते मैं सबनों नाल लेके चलना है, मेरे सारे सीनियर लीडर ने, सब का सानू साथ की लोड़ है और इन्हां दे साथ दे बिना, मैं पहला भी कहना टीम वर्क तो बिना इत्थे कांग्रेस पार्टी असी मजबूत नहीं कर सकते। ये सब दे टीम वर्क दे नाल पिछले असी 1.5 साल दे अंदर कांग्रेस पार्टी